बट वहां से आनी चाहिए थी, यहां से पता नहीं। चलो सबसे पहले क्रोम, सर्च फॉर पोस्टग्रेस सिक्वेल डाउनलोड। पोस्टग्रे सिक्वेल डाउनलोड, बाद में समझेंगे होता क्या है। ठीक है, हो गया, मिल गया अल्फाबेट्स, उस पर क्लिक करो जो सबसे पहले लिंक आई होगी उस पर। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, लाइनक्स, मैक ओएस, हमारा विंडोज है जिसका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर क्लिक करो। विंडोज पे किया, सबका विंडोज ही होगा। यहाँ पे ये जो वर्जन्स दिए हुए नीचे, ठीक है, 16 है लेटेस्ट। यहाँ पे ऊपर दिख रहा है डाउनलोड द इंस्टॉलर, यहाँ पे देखो ब्लू में आ रहा होगा सबसे ऊपर, यहाँ पे इस पे क्लिक करो। हाँ, जिसमें भी आ रहे हैं करो। उसके बाद ये जो वर्जन है 16.4, ठीक है, यहाँ जो विंडोज दिख रहे हैं उस टैब में यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो। क्या? हाँ, विंडोज में ये जो दिया है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरा कर्सर, इस पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ नीचे ओके गॉट इट करोगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं आया, वो नीचे देखो एक मैसेज आ रहा है ओके गॉट इट, उस पर क्लिक करो। हो गया, होगा, आया। यहाँ पे देखो ऊपर एक डाउनलोडिंग, डाउनलोड हो रहा है ना, बस डाउनलोड होने से मतलब है भाई। इसलिए तो कहा था रुकूंगा नहीं, 1 मिनट रुको। तुम सब लोग किससे कनेक्ट हो? ARC फाइबर ना, एयर फाइबर हो। चलो ये जब तक डाउनलोड हो रहा है ना तब तक दूसरी चीजें देख लेते हम। मेरा तो देखते हैं मोबाइल से हो जाए स्पीड से। किसका? तो मुझे खुद को ही नहीं पता है। यही करता है। चलो डाउनलोडिंग पे डाल दिया है ना, देखते हैं। ठीक है, मेरा हो जाता है तो फिर प्रोसेस आगे की बताता हूँ। ठीक है, अभी हो जाएगा जल्दी। चलो नहीं, आगे का ये नहीं बता रहा हूं, मेरा होने का ये डाउनलोड।
मेरा हो जाने के बाद बताता, वरना सेम हालत होगी। ठीक है, हो ही गया है डाउनलोड, तो वेट कर लेते हैं। तो ये वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, कुछ तो लू आज। बाकी एक्सेल की होगी प्रैक्टिस, वो गिटअप पे अपलोड हो गए ना सबके टास्क, उसमें किसको डाउट है? तुम्हें क्या क्या डाउट है? बाकी लोगों के हो गए अपलोड, क्या डाउट है? हो जाएंगे 4 महीने में। चलो ये डाउनलोड हो गया है, आगे की प्रोसेस समझ लो, कुछ नहीं है तुम्हारा। जब डाउन एक नेक्स्ट ही करना है तो देखो, उस पर डबल क्लिक करते ही ये ऑप्शन आया, यहाँ पे सिंपली एस पे जा रहा हूं, अगेन, ठीक है, इस तरह से विंडो आएगी, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो स्टैक बिल्डर जो ऑप्शन है इसको अनचेक कर देना, ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं। हाँ सी ड्राइव में, वो अपने आप सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में जाते। नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे यस के बाद तो यहाँ तक आ जाओगे, ऐसा जब या दिखेगा तो ये स्टैक बिल्डर जो है इसको अनचेक कर देना, ठीक है। ये चेक करोगे तो तुम्हें लास्ट में डायरेक्ट फिनिश ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं चेक रखता हूँ, अगर बाय चांस किसी ने चेक रखा तो लास्ट में क्या होगा वो दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे तुम्हें देना होगा पासवर्ड, शॉर्ट देना, कुछ भी जो याद रहे, ठीक है। मैंने एडमिन दिया है, ठीक है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन का जो नेम आएगा वो पीजी एडमिन करके आता है, तो याद रखने में आसानी होती है, तो मैंने एडमिन दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होगा, इंस्टॉलेशन स्टार्ट, उस पर डबल क्लिक करो। चलो तब तक हम देखते हैं सिक्वेल क्या होता है, ठीक है। सो सिक्वेल इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। सिक्वेल एक क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज टू मैनेज एंड मैनिपुलेट रिलेशनल डेटाबेसेस। इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट एंड डिलीट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। बेसिकली डेटाबेस में क्या होता है, तुम्हारा डेटा होता है इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। टेबल मतलब क्या? रोज एंड कॉलम्स। तो जो डेटा रहेगा वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में रहता है, ठीक है। डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स रह सकते हैं, एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स रह सकते हैं, ठीक है। उसके साथ जो क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्रड बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, उसके लिए हम यूज करते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि है सिक्वेल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL इज नॉट टाइड टू एनी स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम बट रादर सर्व एज यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस। सो बेसिकली डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए SQL का हम यूज करते हैं। अब जैसे कि SQL क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना, वो हमें क्वेरी या कमांड रिक्वेस्ट लिखने में काम आएगी, बट उसके लिए हमें लगेगा एक प्लेटफॉर्म, है ना। लिखेंगे कहाँ पर? जैसे एक्सेल में लिखते थे, जैसे जावा हम कहाँ लिखते हैं, किसी आईडी में लिखते हैं, तो वैसे ही ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हमें किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिसे कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिक्वेल के लिए, ठीक है। सो माय सिक्वेल, पोस्टग्रे सिक्वेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। सो पोस्टग्रे सिक्वेल ही क्या होता है? इज अ स्पेसिफाइड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है,
जो हम डाउनलोड कर रहे हैं अब, ठीक है, जहां पे हम क्वेरी लिख सकते हैं, वहां हम क्वेरी लिखेंगे जो हेल्प करेगा हमें इंटरेक्शन करने के लिए किसके साथ, डेटाबेस के साथ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स डेटाबेस सिस्टम एंड इज वाइडली यूज फॉर वेब एप्लीकेशन एंड अदर टाइप ऑफ डेटा ड्रिवन सॉफ्टवेयर। ठीक है, काफी ज्यादा यूज होता है, हम देखेंगे आगे किस तरह से। तो इंप्लीमेंट करता है एट द एंड सिक्वल लैंग्वेज को, सिक्वल कमांड्स टू इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस। ठीक है, चलो इतना क्लियर है सबको। चलो तो डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, पहले वो समझते हैं। डेटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, जनरली स्टोर्ड एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस आर यूज टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली। अब जो लार्ज अमाउंट हमने देखा था ना डेटा वगैरह, जैसे एक्सेल में हमने कुछ रोज लिए थे, है ना, 1000 रोज वगैरह हमारे पास थी, तो ये जो भी डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है, डेटाबेस में तुम्हारे मल्टीपल टेबल्स रह सकते हैं, ठीक है, उन टेबल्स में रो एंड कॉलम की फॉर्म में ये स्टोर रहेगा। जैसे बेसिकली जो हेडर था वो हमारे कॉलम नेम्स हो जाते हैं और उसमें हमारा डेटा रहेगा। टाइप ऑफ डेटाबेसेस, हम जिस पे काम करने वाले हैं वो रिलेशनल डेटाबेसेस है। ठीक है, डेटाबेसेस दैट स्टोर डेटा इन टेबल, टेबल के फॉर्मेट में जो स्टोर कर रहे हैं वो किसका पार्ट है, रिलेशनल डेटाबेस का। टेबल इन द रोज एंड कॉलम, ईच टेबल रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट एंटिटी। एंटिटी बाद में समझाऊंगा, ठीक है, जब हम टेबल वगैरह डिजाइन करेंगे क्या होता है तो। एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर डिफाइंड थ्रू कीज, मल्टीपल कीज वगैरह होती है वो भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, माई सिक्वेल, पोस्टग्रे सिक्वेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वेल सर्वर। हम जिस पे काम करने वाले हैं वो कौन सा है, पोस्टग्रे सिक्वेल। ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेरी का डिफरेंस आता है, जैसे किसी में कुछ काम करेगा, किसी में कुछ नहीं करता है, किसी ने कुछ अलग एडवांस फीचर्स दिए हैं। जैसे माई सिक्वेल फुल ज्वाइन नहीं ऑपरेट करता, फुल ज्वाइन यूज नहीं करने देता, वही पोस्टग्रे सिक्वेल फुल ज्वाइन करने देता है। अगर माई सिक्वेल में करना हो तो यूनियन के थ्रू हम कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट राइट ज्वाइन प्लस यूनियन के थ्रू, तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस है। अगर किसी में लिमिट निकालना है तो लिमिट का यूज होता है, किसी में ऑफसेट का यूज होता है, किसी में टॉप का यूज होता है। ये स्लाइड स्लाइड डिफरेंसेस है, बट एट दी एंड कुछ जो कॉमन क्वेरीज है वो सेम ही रहता है। मतलब जैसे टेबल क्रिएट करना हो, डेटाबेस क्रिएट करना हो, या फिर उन टेबल्स में अगर डेटा फीड करना हो, तो ये जो क्वेरीज है ये कॉमन ही होती है ऑलमोस्ट सब में। क्लियर? और एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है ये हम बाद में देखेंगे। इसमें एक पीपीटी है जो मैं अपलोड करूंगा, एक पीपीटी का अलग से सिक्वेल पीपीटी करके, इसमें तुम्हें मिल जाएगा। ये दिख रहा है एसिड प्रॉपर्टीज, ये पढ़ के रखना। यहाँ पे ये जो एसिड प्रॉपर्टी दिख रहा है और नॉर्मलाइजेशन डीनॉर्मलाइजेशन जो दिख रहा है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, इस पे क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है, ये पढ़ के रखना, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस सिक्वेल का उसके बाद, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में समझेगा नहीं तुम्हें। क्लियर? ऐसे कम करूं, यही करूं मैं। रिलेशनल डेटाबेस समझा, ठीक है, दूसरी तरफ होता है नो सिक्वेल डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस जो स्टोर करता है अदर फॉर्मेट्स में डेटा रादर देन टेबल, मतलब डॉक्यूमेंट में, की वैल्यू पेयर में, वाइड कॉलम, ग्राफ के फॉर्मेट में जो स्टोर करता है उसे कहा जाता है नो सिक्वेल डेटाबेस, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला है मोंगो डीबी। ठीक है, जब हमारा सिक्वेल खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम इस पे क्रड ऑपरेशन देखेंगे। मैंने कहा था बेसिक पढ़ाऊंगा ही, ठीक है, तो बेसिक जो क्रड ऑपरेशंस है वो कैसे होते हैं हम लास्ट में देखेंगे। इस पे कुछ इसके एडवांटेजेस है, ठीक है, तो जब तक हम दोनों यूज नहीं करते तब तक समझेगा नहीं कि क्यों, मतलब किसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो ये जो पार्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम दोनों देख लेंगे। क्लियर? कोई डाउट? तो वही डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम है, यूज किया जाता है रिट्राइविंग रनिंग क्वेरीज ऑन डेटा। हो गया कहीं? चलो ये देख रहा है डाउनलोड हो गया, ये लास्ट विंडो आई है, ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे स्टैक बिल्डर दिख रहा है,
ठीक है, इसे यहाँ पे भी अनचेक कर सकते हो अगर तुमने गलती से चेक कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये देखो अननेसेसरी ड्राइव जो है ना वो इंस्टॉल करेगा जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, तो सिंपली क्या करोगे, इसे अनचेक करोगे और फिनिश कर दोगे। तुमने क्या किया, एक मिनट मेरा हो गया था ना, ये देख रहे हो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो सर्च करना है तुम्हें पीजी एडमिन के लिए, ठीक है, पीजी एडमिन के नाम से आएगा तुम्हारा एप्लीकेशन, इसे ओपन करोगे, थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में, पोर्ट नंबर मांग नहीं रहा होगा, पोर्ट नंबर तो बाय डिफॉल्ट लिया होगा उसने, हाँ आइदर तुमने क्या होगा वो सिलेक्ट रहता है, तो अगर तुम की प्रेस करते हो तो वो चला जाता है 5 4 3 2 5, ठीक है हो जाएगा, तो इस तरह से एक विंडो आएगी, इसे ओपन करता हूँ, हाँ कुछ नहीं हो गया, वो स्टैक बिल्डर अनचेक करो फिनिश करो हो गया, बाद में बता दो जाना मत घर, हो गया सर्च करो पीजी एडमिन अनचेक, हो गया इतना, चलो फुल स्क्रीन, ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये जो टैब्स हैं इसे मैं क्लोज ऑल कर रहा हूँ, राइट क्लिक करोगे किसी भी एक टैब पे तो क्लोज ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जिसे पढ़ना है वो पढ़ सकता है, काम करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ देख लो, यहाँ जैसे ये सर्वर दिख रहे हैं सर्वर्स, इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा एक विंडो आएगी, एक पॉपअप, नेट गया क्या, पासवर्ड पूछ रहा होगा, पूछ रहा है, तो जो पासवर्ड तुमने डाला था, तुमने स्टैक बिल्डर को ये नहीं किया, अब वहां पे नन सिलेक्ट करो और कैंसल प्रेस करो, कैंसल प्रेस कर दो डायरेक्ट और फिनिश कर दो, किसी को आ रहा है कि उस पर क्लिक करने पे पासवर्ड पूछ रहा होगा, हुआ तुम लोगों का, हो गया ना, तो जो पासवर्ड हमने एंटर किया था वो पासवर्ड डालो, मेरा पता है, एक मिनट मैं वाईफाई चेंज करता हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा, बस हो गया, डबल ही करता हूँ, पोर्ट का एरर आ रहा है 5 4 3 2, आ गया ना, हाँ एक मिनट, हाँ नेक्स्ट करो, ठीक है रुको ओपन हो रहा है, तो बेसिकली पासवर्ड पूछेगा वो, तो जो तुमने स्टार्टिंग में पासवर्ड डाला ठीक है वो डालो और सेव पासवर्ड कर दो ताकि तुम्हें बार बार डालने की जरूरत ना पड़े, आज इनका नहीं हो रहा है, शांत बैठो लास्ट में बताता हूँ, एक मिनट, मेरा ऐसे ही आया ना, डबल क्लिक करते ही आया होगा ना, अरे इस पे क्लिक करो तो वो तो उधर जा रहा है ये ना, हाँ वो तो मुझे पता है, चलो ठीक है सिंपल, क्या करोगे उस पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा वो, ठीक है, बेसिकली ये मेरा है ही नहीं लैपटॉप, चलो इतना क्लियर है, इसका जो यूआई है अभी मैं समझाने वाला था वो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो मंडे को करेंगे हम, इंस्टॉलेशन समझ गया ना, इतना करके छोड़ देना, अब टेबल कैसे बनता है, हाँ वैसे डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है वो सारी जो क्वेरीज है वो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, नहीं मेरे पास भी है दूसरा, क्लिक करो, नहीं हो रहा है फेंक देंगे दोनों हम,
चलो, सो टाइप्स कितने हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और नो सिक्वल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन मेमोरी मतलब इन मेमोरी स्टोर होगा, वो यूज नहीं करते हम, ठीक है। बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह पता होगा ना, जैसे गिट बैश जो पढ़ाया था ना मैंने, वैसे कैसे गिट बैश पे हम कमांड लिख रहे थे, वैसे ही सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे भी विदाउट ये इंस्टॉलेशन वहां पे भी तुम सारे क्वेरीज रन कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर है सिक्वेल क्या है? ठीक है, क्वेरीज करें स्टार्ट। ठीक अच्छा, गिटअप वगैरह में किसी में डाउट है तो वो पूछ लो, आधा घंटा है, फिर क्या करेंगे ना। इंस्टॉलेशन तो हो गया, बेटर हो बेटर हो, आता हूँ मैं। है अभी तो आए थे ये तो होने के लिए नहीं मैंने कर लिया था लेकिन वापस से वो किया तो आया भी था आईफोन वो पीजी वाला एडमिन वाला लेकिन फिर ऐसा हो गया अबे होगा। तुमने वो सर्वर स्टार्ट कर दिया, वेट करो, इसको हटाना पड़ेगा, अब नहीं होगा वो, करता हूँ बाद में। ऑप्शन आ रहा था मैंने पहले नोट लिया तो नहीं हुआ फिर आया ठीक है, था बैठ जाओ, देखते हैं। शेलॉक। बता अच्छा, नहीं सो ठीक है, यहां तक ही देखते हैं, इसके आगे का जो भी है वो मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट है? ओके देन, या मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ बट चालू रख। ठीक है।